पेश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। देखिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पॉलिटी का पार्ट थर्ड, और पहले पार्ट वन और पार्ट टू दो हो चुके हैं। आप प्लीज उन वीडियोस को जरूर देख लेना, क्योंकि मैं लिंक करके चीजें पढ़ाता हूं। अगर आपको अच्छे तरीके से चीजें समझनी है तो पीछे की वीडियोस जरूर देखना, ठीक है। अब आज क्या है, तो आज है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बात, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं संविधान। ये क्या है, तो ये है हाईएस्ट लॉ बुक ऑफ द कंट्री। तो संविधान, संविधान बोले तो हाईएस्ट लॉ बुक ऑफ द कंट्री। सम मतलब सही और विधान मतलब लॉज। देश को चलाने के रूल जिस किताब में लिखे जाते हैं उस किताब को कहते हैं संविधान। या आप ऐसे कहो कि संविधान जो है वो किसी भी देश की सुप्रीम रूल बुक होती है, लॉ बुक होती है। पूरे देश के जितने भी काम होते हैं वो एक किताब के नाम से होते हैं, और जिसका नाम है संविधान। वैसे ही भारत की भी है, जिसको कहते हैं भारत का संविधान, ठीक है। या ऐसे कहो कि अंडमान निकोबार से लक्षद्वीप और लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक 135 करोड़ जो भारतीय हैं उनके लिए सुप्रीम है भारत का संविधान, ठीक है। जिस पर अभी बात करेंगे हम, आज से नहीं, एक दो क्लास बाद, ठीक है। अब देखिए, अभी हम बात करते हैं कि संविधान बना कैसे, किसने बनाया, तो जरा चीजों को देखें। देखिए दोस्तों, संविधान बनने की जो स्टोरी है वो तो बहुत पुरानी है, 1773 से लेके 1947 तक की है। बट खैर, अभी हमें उसे नहीं समझना, वो तो हम कभी और पढ़ेंगे। अभी हम समझते हैं जो तुरंत आजादी के टाइम पर संविधान लिखा गया, और किसने लिखा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने तैयार करवाया। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखो ये क्या है, क्या मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं संविधान सभा, संविधान सभा। ये क्या है, किस तरीके से चीजें हुई, उन सब से मैं बात करने से पहले मैं कुछ बातें करना समझाना चाहूंगा आपको। देखो, आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि पहले राजाओं की रियासत होती थी और राजाओं के हिसाब से चीजें चला करती थी देश में। लेकिन आज हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी है, मतलब जनता ही जनार्दन है, जनता ही हेड है। अब ये सारी चीजें जो हैं ये कैसे आई, तो इसके पीछे ना थोड़ी सी हिस्ट्री है और हमें बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। वो क्या है कि आपको अच्छे तरीके से पता है, एक 1789 में एक फेमस रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, और जिस रिवॉल्यूशन का नाम था क्या, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी जिसे फ्रांस की क्रांति कहते हैं। वहां पर जब लुई 16 नाम के राजा ने बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर दी थी, या अननेसेसरी पब्लिक के फंड को अपने फायदे के लिए यूज करने लग गया था, तो वहां की पब्लिक ने विद्रोह किया, और विद्रोह करने के बाद उन्होंने क्या किया कि वहां पर फ्रांस में क्रांति आई और वहां पर राजा को सिंहासन से हटा दिया। अब देखो एक बात यहां पर, कि उस टाइम पर फिर उन्होंने, वो चाहते तो किसी और को भी राजा बना सकते थे, लेकिन उन्होंने राजा नहीं चुना, उन्होंने क्या बनाई, संविधान सभा बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। और संविधान सभा ने क्या किया, वहां का एक कुछ एक दो साल के अंदर संविधान लिखा, और फ्रांस धीरे 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 करके एक ट्रैक पे आने लग गया, और किसके अकॉर्डिंग चलने लगा, रिटर्न रूल्स के अकॉर्डिंग चलने लगा, ठीक है। तो वहां पे क्या दिखा गया, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसकी कुछ दिक्कत नहीं है, नुकसान भी है, लेकिन बाकी जो राजाओं वाले से पहले से ज्यादा फायदे थे इसके, जो रिटर्न रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे थे, जिसमें लगभग सभी इक्वल है। और देखिए ऐसे ही फिर एक और बहुत बड़ी क्रांति हुई 1917 में, ठीक है, 1917 में, और ये कौन सी है, रशियन क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन। अभी रशिया की जो क्रांति थी, ठीक है, यहां पर भी यही चीज हुई कि वहां पे जो राजा थे वो अपनी मनमर्जी करते थे, जबरदस्ती वहां की सेना को पहले विश्व युद्ध में धकेल रहे थे, तो वहां पर भी विद्रोह हुआ बहुत ज्यादा, ठीक है। और वहां पर भी फिर क्या है, एक संविधान सभा बनाई गई, ठीक है। और संविधान सभा बनने के बाद क्या किया गया, वहां का संविधान तैयार हुआ, और रशिया भी एक सही ट्रैक पर चलने लगा। यही चीज जब चलने लगी तो देखा गया कि जो राजा होते थे, राजाओं के अकॉर्डिंग जो देश चलता था, उससे ज्यादा बेटर है कि एक संविधान सभा बनाई जाए जो उसके देश के रिटर्न रूल्स तैयार करे और जिससे देश चलाया जाए, ठीक है। ऐसे ही हमारे देश में भी हुआ,
हमारे देश में आपको पता है ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, और अंग्रेज हमारे देश पर रूल कर रहे थे, ठीक है। तो वहां पर क्या हो गया कि हम उनसे फ्रीडम चाहते थे, आजादी चाहते थे, तो अब ये कहा गया कि मान लो कल को ब्रिटिशर्स छोड़ भी देते हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, तो आजादी किसको देंगे, ठीक है, कौन चलाएगा देश को, क्या फिर से किसी राजा को दे देंगे जो पहले क्या अलग अलग फ्रेगमेंट कर रखे थे, देश के डिवीजन कर रखे थे वैसे। तो इस बार सोचा गया कि नहीं, इस तरीके से नहीं। तो सबसे पहली बात 1934 में ये एक हमारे फ्रीडम फाइटर कह सकते हो आप, उनके दिमाग में आई, ठीक है, और उनका नाम था एम एन रॉय, मनवेंद्र रॉय। 1934 में इन्होंने सबसे पहले डिमांड करी कि अगर कल को अंग्रेज भारत छोड़ते हैं और भारत आजाद होता है तो क्या हो जाए कि भारत के लिए संविधान सभा बनाई जाए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, जो क्या करेगी कि भारत के लोगों द्वारा जिसके लोग चुने जाएं और वो भारत का संविधान लिखेगी, और देश किसके अकॉर्डिंग चलने लगे, संविधान के अकॉर्डिंग चलने लगे, जैसे कि फ्रांस और रशिया में पहले उसके पॉजिटिव इंपैक्ट देखे गए उसी तरीके से, ठीक। अब आज आ गई भी, जब ये चीज हो गई तो 1935 में उस समय सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो देश में आंदोलन हो रहा था उसमें भाग लेती थी, उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उस कांग्रेस पार्टी ने बंगाल के फैजपुर सेक्शन में इसे क्या है बोल दिया गया कि हाँ एक्सेप्ट कर लिया, मतलब, और वो ऑफिशियल डिमांड करने लगी किस चीज की कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कि हाँ अगर अंग्रेज हमारे लिए क्या तैयार करें, हमारे लिए तैयार करें संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ब्रिटिशर्स हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार करें, उससे हमारा संविधान लिखा जाएगा और उसमें किसी की भी बाहर की इन्फ्लुएंस नहीं होगी, ठीक। ऐसी चीजें चलती रही। फिर 1938 में यही चीज क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने भी यही क्या है बोला कि हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी बहुत जरूरी है, संविधान सभा बननी बहुत जरूरी है जो हमारा संविधान लिखेगी और जिसमें ब्रिटिशर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ऐसा कहा गया। फिर धीरे धीरे करके यही चीज चलती गई। फिर 1940 में अगस्त ऑफर आया, 1940 में अगस्त ऑफर आया, अगस्त ऑफर में भी इस डिमांड को मान लिया गया, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और ऐसे करके ये चीजें क्या है कुछ ज्यादा कुछ इंपैक्ट डाल नहीं पाई। फिर धीरे धीरे करके क्या है, एक बहुत बड़ा मिशन आया जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। जब ब्रिटिशर्स ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हाँ अब हम इंडिया को क्या है आजादी देंगे देंगे, तो कहीं ना कहीं इंडिया को फ्री करने के लिए एक जो पॉजिटिव चीजें क्रिएट हुई, तो वहां पर क्या कहा गया कि हम इंडिया को आजादी देंगे, तो उसके लिए एक मिशन आया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। कब? 24 मार्च 1946। इसके मेंबर्स कौन कौन से थे? तो इसके मेंबर्स थे सर पैथिक लॉरेंस, दूसरा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा सर एवी अलेक्जेंडर। अब दोबारा से देखो, ये तीन मेंबर का ही मिशन था, इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। ये ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है, ये ब्रिटेन का जो कैबिनेट है, उसके तीन मेंबर हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन के कैबिनेट के तीन मेंबर भारत आए, ठीक है, भारत की एक आजादी का मिशन लेके, ठीक है। तो ये कैबिनेट वर्ड इंडिया से नहीं है, ये ब्रिटिशर्स है। तो ब्रिटेन के कैबिनेट के तीन मेंबर इंडिया आए भारत की आजादी का मिशन लेके, तो क्या कहा गया कि आजादी दें किसको, दें गांधी जी को, दे नेहरू को, दे जिन्ना को, दे किसको दे। तो फिर जब यहां पर डिस्कशन हुआ तो क्या कहा गया कि हमें किसी एक हाथ में आजादी नहीं चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और फिर इस कैबिनेट मिशन ने क्या है उनकी इस डिमांड को मान लिया और फिर भारत में तैयारी हुई किसकी, संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो अगर कोई पूछता है कि भारत में संविधान सभा किसके किस मिशन के अकॉर्डिंग बनी, तो भारत में संविधान सभा बनी कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग। देखिए फिर बात आती है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, इसमें कितने मेंबर्स होंगे, ठीक है, इनका चुनाव कैसे होगा, तो वो सारी चीजें। तो देखो जरा यहां पर, तो सबसे पहली चीज, उस समय जितनी टोटल पॉपुलेशन थी, टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया और 10 लाख जो लोग हैं, 10 लाख लोगों का एक लीडर चुना गया,
लीडर नेता, ठीक है, तो 10 लाख लोगों पे एक सीट बनी, बात समझ रहे हो? ठीक है, जैसे एक कोई एरिया होता है तो वहां पे जो लोग होते हैं तो उनका कोई लीडर तो होगा, आज भी होते हैं, तो वैसे ही उस समय भी यहां पे क्या कहा गया कि उस समय जो देश में जितनी भी आबादी थी उसको डिवाइड कर दिया गया और 10 लाख जो लोग हैं उनको लीड करेगा एक, तो ऐसे करके एक सीट बनी, तो 10 लाख लोगों पर एक सीट थी और टोटल ऐसे करके 389 क्या है सीट तैयार हुई, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स तैयार हुए, 389। अब ये 389 मेंबर्स किस तरीके से डिवाइडेड थे, तो देखो देखिए दोस्तों, अब वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी जो 389 मेंबर्स हैं वो किस तरीके से हैं और कहां से चुने गए हैं, तो ये जरा देखें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा, तो इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, 389। ये बनके कब तैयार हुई थी, तो ये बनके तैयार हुई थी 6 दिसंबर 1946 को, कहां पर, दिल्ली में, दिल्ली में 6 दिसंबर 1946 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब एस्टेब्लिश हुई, तो 6 दिसंबर 1946 को। अच्छा, ये जो इलेक्शन हुए थे 389 मेंबर्स के, ठीक है, ये कहां से आए मेंबर, तो देखो ये इस तरीके से है, ये प्राइंसली स्टेट्स हैं, राजाओं की रियासतें, यहां से 93 सीट्स आई या मेंबर्स चुने गए लीडर्स, ठीक है, और उसके बाद फिर कितने बचे यहां पे, 296। ये ब्रिटिश प्रोविंस से आए 296, ब्रिटिश प्रोविंस है। अब देखो एक बात यहां पर, ये जो इनका जो इलेक्शन हुआ, ठीक है, प्राइसली स्टेट्स का, तो इनका तो इलेक्शन हुआ नहीं बेसिकली, इनको किसने इलेक्ट किया, तो इलेक्टेड बाय हेड, यहां के जो राजा थे उन्होंने ही अपने अपने एरिया से कोई ना कोई एक व्यक्ति चुन के भेज दिया था यहां पर, तो इनके इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन किसके हुए थे, इन 296 मेंबर्स के क्या है, इलेक्शन हुए थे, तो ये किस तरीके से, तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, या ऐसे कहो इलेक्शन के मेथड का नाम क्या था, तो मेथड था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। अब इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए, और जिस मेथड से चुने गए उस मेथड का नाम था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखो ये मेथड क्या है, इस पे अभी ज्यादा ध्यान मत दो, इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ये दो मेथड होते हैं तो उन पर अलग से वीडियो बना दूंगा, बस अभी याद रखो कैसे, तो देखो आप दोबारा से एक बार याद करो, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, तो राज्यसभा के मेंबर्स को कौन चुनता है, तो राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं एमएलए, कहां के, स्टेट के, इलेक्शन में भाग लेते हैं और एमएलए को चुनती है जनता, ऐसे ही तो जनता चुनती है एमएलए को और एमएलए चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, ऐसे ही यहां पे क्या था, पहले जब ब्रिटिशर्स की सरकार थी तो कुछ तो राजा थे और कुछ अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों की जो रियासतें थी उनमें स्टेट हुआ करती थी, प्रोविंस हुआ करती थी, उस समय स्टेट को प्रोविंस कहते थे, तो वहां पर क्या होता था कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भेज देती थी केंद्र सरकार से, मतलब ब्रिटिशर्स जो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भेज दिया करते थे वहां पर, जो क्या करता था वहां की गतिविधियों को लीड करता था, ठीक है। अब एक और बात यहां पर, वो क्या है कि उनके भी तो इलेक्शंस होते थे, वहां पर भी तो अलग अलग से मेंबर चुने आते थे, तो ये जो प्रोविंशियल असेंबलीज होती थी उस समय, प्रोविंशियल असेंबलीज आज हम इसे क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधानसभा कहते हैं स्टेट्स में,
उस समय स्टेट्स का नाम प्रोविंशियल प्रोविंसेस था, तो प्रोविंशियल असेंबली, तो उस समय जो स्टेट्स हुआ करती थी ब्रिटिशर्स के समय, उनमें मेंबर्स चुने जाते थे जिन्हें जनता चुनती थी, तो वो प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स थे, ठीक है, उन्होंने चुना किसको, ये जो मेंबर्स हैं 296, इनको कैसे कि जनता ने इनके लिए वोट किया, ठीक है, ये जनता है नीचे, जनता ने प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को चुना और इन्होंने चुना, ठीक है, इनको जनता के बिहाफ पर, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था और सबके पूरे में इलेक्शन करा लेते, तो इसलिए ये इनडायरेक्टली चुने गए और मेथड का नाम है ये, ठीक है। अब ये मेथड क्या है तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि वो अलग से ही बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब तो अभी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि जो ये मेंबर्स है कैसे चुने गए, तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये बात याद रखना, कहां से, प्रोविंशियल असेंबली से। मेथड अगर पूछ ले तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखिए ये सारी चीजें हो गई यहां पर, अब बात ये आती है कि इनके इलेक्शन में भी वोट भाग लिया हुआ किसने, तो कितनी सीटें किसको मिली, तो देखो जब इसका इलेक्शन हुआ था कब, जुलाई अगस्त 1946 में, तो यहां पे अलग अलग पार्टी खड़ी हुई, तो यहां पे जो सीटें जब रिजल्ट बोला तो सीटें आई इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी आई 208, मुस्लिम लीग जीती 73, ठीक है 73 73, और रेस्ट जो अदर्स को कितनी मिली 15, ठीक है आप देख सकते हो यहां पर, तो ऐसे करके कितनी हो गई ये 296, तो ऐसे करके यहां पर जब इसका इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो इलेक्शन में आईएनसी 208, मुस्लिम लीग 73 और रेस्ट 15। अब ये आपने क्या देखा कि अलग अलग जगह से क्या है मेंबर्स चुन लिए गए और कहां पे बैठ गए, दिल्ली में संविधान सभा के लिए, जैसे आज के टाइम पर होता है, जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, तो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, पूरे देश से लोग वोट करते हैं और वोट करने के बाद वो कहां बैठते हैं, संसद में बैठते हैं, ठीक है, किसी लिए वहां पे काम करने के लिए, ऐसे ही यहां पर अलग अलग कोने से देश में लोग चुन लिए गए और कहां पर बैठे वो संविधान सभा में, ठीक है। अब इसे मैं थोड़ा आगे बताऊं, उससे पहले यहां पे एक चीज और बता दूं कि आजादी के बाद, सॉरी जब पार्टीशन के बाद, ठीक है, कितनी सीटें रह गई, ठीक है, जब पाकिस्तान की अलग से संविधान सभा बन जाएगी, तो वहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, देखो अब जब पाकिस्तान की अलग से, जब पाकिस्तान अलग हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर उसकी अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगी, संविधान सभा, ये अभी आगे का बता दे रहा हूं थोड़ा, ठीक है, अभी पढ़ेंगे तो सीक्वेंस में, तो यहां से क्या है, जब पाकिस्तान की अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगी, ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया कि ये सीटें रिड्यूस हो गए, हो गई कितनी 299, कम हो गई कितनी रह जाएंगी 299, और 299 में 229 तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस ये सीटें हैं, और 229, और ये यहां पर कितनी रह गई, ठीक है, तो यहां पर रह गई आपकी 70, और ये कौन सी है, प्राइंसली स्टेट्स, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं 23 प्राइंसली स्टेट्स कहां चली जाएंगे पाकिस्तान वाले रीजन में, और यहां से, ठीक है, 296 से माइनस कर दोगे तो 229 रहेगी, तो जो बची हुई कहां चली गई, वो पाकिस्तान में चली गई, ठीक, और इतनी सीटें बच के रह गई 299 कहां पर, इंडिया में, और इन्होंने क्या किया यहां पर, काम किया किसके लिए, इंडिया का संविधान लिखवाने के लिए। अब देखिए अब बात आती है, आपने यहां पर क्या देखा कि जो कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन से क्या हुआ भारत में, तो कैबिनेट मिशन से यहां पर संविधान सभा की मांग जो थी उसे एक्सेप्ट कर लिया गया और उसके लिए इलेक्शन हुए जुलाई अगस्त, ठीक है, 1946 में, और ऐसे करके 10 लाख लोगों पे एक सीट चुनी गई और इंडिया में कितने मेंबर्स तैयार हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए 389, ठीक है, 389 में से जो क्या बोलते हैं 296 तो ब्रिटिश प्रोविंस से थे और 93 कहां से है, राजाओं की रियासतों से, ठीक है। अब जो राजाओं की रियासतों वाले 93 थे, वहां पर तो राजाओं ने अपने अपने एरिया से डायरेक्ट चुन के भेज दिए लोगों को, और जो 296 थे ब्रिटिश प्रोविंसेस वाले, वहां पर क्या हुआ, इलेक्शन हुए,
इलेक्शन कैसे हुए? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए, मतलब जनता ने डायरेक्ट वोट नहीं किया, जनता ने पहले से ही चुन रखा था किसको, जो राजाओं में वो जो प्रोविंसेस थी, ठीक है, प्रोविंसेस में किसको, मेंबर्स को, जिन्हें प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स बोलते थे उस टाइम पर, ठीक है, उनको, और उन्होंने चुना किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को, ताकि प्रोसेस ज्यादा लेंदी ना हो, कम टाइम में ही मेंबर्स को चुना जा सके, ठीक है। फिर जब इलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो उस इलेक्शन का मेथड था, मेथड का नाम था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब उसके बाद आपने यहां पर क्या देखा, तो यहां पर देखा कि जब इलेक्शन में अलग अलग पार्टियों ने भाग लिया, तो जब रिजल्ट खुला तो कांग्रेस पार्टी को आई 208 सीट, ठीक है, उसके बाद जो क्या बोलते हैं मुस्लिम लीग को आई 73 और अदर्स को आई 15 सीट, ठीक है। अब जब आजादी, आजाद होगा इंडिया, तो आजाद होने के बाद, ठीक है, पार्टीशन हुआ पाकिस्तान का, तो पार्टीशन के टाइम पे जो पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा बना दी गई, पहली कंबाइंड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई, तो इसमें से जो मेंबर्स थे वो कुछ पाकिस्तान चले गए, ठीक है, तो प्राइंसली स्टेट जो थी वो 93 से रिड्यूस होके 70 हो गई, और जो दूसरा है जो क्या बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस वाले जो सीट थी वो रिड्यूस होके कितनी हो गई, 296 से 229 हो गई, ठीक है। ये तो बाद में होगा, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि जो 389 मेंबर जो चुने गए, ठीक है, वहां पर क्या हो गया। तो देखो, अब यहां पर देखो आप, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जब अलग अलग एरिया से 389 मेंबर चुन लिए गए, तो पूरे का पूरा प्रोसेस 6 दिसंबर 1946 तक पूरा हो गया है, इसीलिए बोलते हैं कि हमारी संविधान सभा कब बन के तैयार हुई, 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है, कहां पर, दिल्ली में, और जिसमें मेंबर्स कितने थे, 389। अब बात आती है कि जब इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई, तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को, कहां पर, दिल्ली में, 9 दिसंबर 1940 को। अब देखो, ये जो 389 मेंबर्स हैं, इनको कोई लीड तो करेगा, लीड करने के लिए तो कोई होना चाहिए, तो इसीलिए यहां पे टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बनाया, किसको, टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बनाया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखो, अब हमारे इंडिया में क्या है, एक बुजुर्गों के लिए ही है, जो सीनियर मेंबर्स होते हैं उनके लिए अलग से रिस्पेक्ट है दी जाती है, तो ऐसे यहां पर क्या हो गया कि उस हाउस में जो 389 मेंबर्स का जो सदन था उसमें सबसे ज्यादा सीनियर पोस्ट मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसीलिए इन्हें क्या कर दिया गया, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है। और जब दोबारा से सेकंड मीटिंग हुई तो वहां पर परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए, तो सेकंड मीटिंग कब हुई, तो वो देखें जरा, अब देखो सेकंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली में, और यहां पर क्या किया गया, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे तो उन्हें हटा के परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए, और उनका नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया किसको, तो वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया श्री एससी मुखर्जी, श्री एससी मुखर्जी, इनको, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो ऐसे करके परमानेंट प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वाइस प्रेसिडेंट परमानेंट बने कौन, श्री एससी मुखर्जी। अब आज यहीं पर एक और चीज मैं बता दूं आपको कि ये जो है उस समय दो काम थे, इसे संविधान सभा के दो काम थे, एक तो संविधान लिखवाना और दूसरा उस समय देश को चलाने के लिए ऑर्डिनरी लॉज बनाना। तो क्या है, तो ये देखो, तो देखो, जब जब व्हेनेवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
मेट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उस समय चेयर्ड कौन करता था इसको, चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद ठीक है, या फिर व्हेनेवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, उस समय चेयर्ड बाय जीवी मवलंकर, श्री जीवी मवलंकर, इस बात पर ध्यान देना। ये ठीक है, क्या है, गणेश वासुदेव मवलंकर, ये आजादी के बाद मतलब फर्स्ट लोकसभा स्पीकर भी बने थे, ये याद रखना कि फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन है, तो जीवी मवलंकर। देखो अब हमारी पास वो जो मेंबर चुने गए थे उनके दो काम थे, ठीक है, वो क्या थे कि एक तो संविधान लिखवाना और दूसरा उस समय देश के लिए ऑर्डिनरी लॉज बनाना। तो जब जब संविधान लिखने पर चर्चा होती थी तब तब उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और जब जब क्या है वो कानून बनाने पर, उस समय देश को देश के लिए शॉर्ट टर्म कानून बनाने के लिए काम करती थी, लेजिस्लेट करने के लिए कानून करती थी, तो उसकी अध्यक्षता करते थे कौन, जीवी मवलंकर, ये बात याद रखना। देखिए फिर क्या होता है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू सदन में एक भाषण देते हैं जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा गया, किसके रिगार्डिंग, संविधान लिखने के रिगार्डिंग, कि संविधान किस तरीके का लिखा जाए, ठीक है, जिसमें उन्होंने भारत का संविधान लिखने के लिए 8 बातें कही, ठीक है। अब देखो एक बात कि उन्होंने ये भाषण क्यों दिया, तो उन्होंने ये भाषण इसलिए दिया क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसके अंदर काफी सारी कमिटीज थी, इसमें से 8 मेजर कमिटीज थी, अगर आपको वो कमिटीज के नाम देखने हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। अच्छा वो जो 8 मेजर कमिटीज जो थी, ठीक है, अब उनमें से एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी थी, संघीय संविधान समिति, जो संविधान लिखवाने वाली समिति, किसका, देश का, तो वो जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसीलिए उन्होंने ये सदन में भाषण दिया। और बाद में 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को उस सभा ने इसे मान लिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हो गया, और बाद में यही क्या बना, प्रीएम्बल बना कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रस्तावना बना संविधान की, ठीक है, जो कि इंट्रोडक्शन कह सकते हो आप कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक। ऐसे ही करके ये चीजें चलती रही। अब बहुत सारे डिबेट्स हो रहे हैं, चीजें हो रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि संविधान किस तरीके से तैयार किया जाए। तो फिर इस बीच में ही क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कई लोग कहां जाते हैं, सरदार पटेल जी गांधी जी से मिलने जाते हैं, और गांधी जी से मिलने जाते हैं तो ये लोग अपना कैबिनेट का पूरा लिस्ट जो उन्हें दिखाते हैं, तब पंडित गांधी जी कहते हैं, ठीक है, इनको कि आपने यहां पर अंबेडकर का नाम नहीं रखा, ठीक है, इसमें आपके अंबेडकर नहीं है। तब वहां पर बात जब हुई तो फिर अंबेडकर का वहां पर नाम रखा गया। असली इम्तिहान तो अब आएगा जवाहर, जब हमें अपनी सरकार बनानी और चलानी पड़ेगी। हम तैयार हैं बापू, सरदार के साथ मिलकर मैंने एक लिस्ट भी तैयार कर ली है। बस हमने अपनी लिस्ट में ऐसे किसी को नहीं रखा है जो हमारी सोच का हिमायती न हो और जो अब तक अंग्रेजों का चाटुकार रहा हो। सरदार, हो सकता है कि कुछ लोगों ने ऐसा किया हो, पर अंग्रेजों की सेवा करके वो हमारे दुश्मन तो नहीं बन जाते हैं ना? वो भी आखिरकार हिंदुस्तानी ही है, और अगर अब उन्हें मौका मिलेगा तो वो हिंदुस्तान के लिए भी अपना हुनर दिखाएंगे। ठीक बात है बापू, कैबिनेट के 14 लोग छांटते वक्त हमें और किसी बात को नहीं
सिर्फ हुनर को तरजीह देनी चाहिए। एक और बात का ख्याल रखना होगा आपको, 14 में से 7 लोग ऐसे हों जो कांग्रेस के ना हो, और ये भी कि आपके मंत्रिमंडल में औरतें हों, मुसलमान हों, पारसी हों, सिख हों और हरिजन हों। बापू, जगजीवन राम जी का भी नाम हमारे फहरिस्त में है। और अंबेडकर, वो मेरा पुराना विरोधी है, पर यह बात भी सच है कि संविधान और कानून के बारे में जितना वो जानता है शायद कोई जानता हो पूरे देश में। और अगर आपने अंबेडकर के ज्ञान और अनुभव का फायदा नहीं उठाया तो नुकसान उसका नहीं, हिंदुस्तान का होगा। क्योंकि गांधी जी ने कहा कि इस टाइम पर देश में, ठीक है, कानून की सबसे ज्यादा जानकारी अगर कोई रखता है तो वो अंबेडकर है, ठीक है। और ये सच भी है कि उस टाइम पर दो ही लोग ऐसे थे जो लॉ एक्सपर्ट थे, एक थे बीएन राव और दूसरे थे डॉक्टर बीआर अंबेडकर, ठीक है। तो बीएन राव को भी बोला गया था, उन्होंने भी काफी हेल्प करी, और ऐसे करके यहां पर क्या कर दिया गया, डॉक्टर बीआर अंबेडकर को क्या है, शामिल कर लिया गया। और फिर एक कमिटी बनाई गई जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है, कब, 29 अगस्त 1947। और 29 अगस्त 1947 को ये कमिटी बनाई गई, ठीक है, जो कि 7 मेंबर कमिटी थी, 7 मेंबर कमिटी थी, ठीक है। और जिसकी चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ठीक है। अदर मेंबर्स के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही कमिटी, ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी, क्या है, दिस कमिटी drafted the constitution of India, drafted the constitution of India। और इसी कमिटी ने क्या किया, ड्राफ्ट तैयार किया, मतलब संविधान लिखा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान किसने लिखा, तो ड्राफ्टिंग कमिटी ने लिखा, जिसमें अंबेडकर का रोल बहुत बड़ा है। क्यों, क्योंकि ये दिन रात एक करते रहते थे चीजों को स्टडी करने के लिए। लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ना कोई मजाक बात नहीं है। लोग आज तो पटाक्सीना बोलते थे ना कि अरे कॉपी तो किया है, 1773 से लेके 1947 तक जो भी लॉज बने थे उनको स्टडी करना थोरोली, और उसके बाद 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के पढ़ना, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें निकालना, ठीक है, फिर उन पर डिस्कशन करना, ठीक है, तब जाके ये कंपाइल हुआ ये संविधान, ठीक है। देश के अलग अलग कोनों से लोग चुने गए थे, इसीलिए ऐसे ही नहीं है जैसे आज आप बोल देते ना कि ऐसा है वैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहां है, गंदगी यहां भरी हुई है, क्योंकि लोग इंप्लीमेंट नहीं करने देते सही तरीके से, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारी चीजें तैयार हुई, और इसी वजह से अंबेडकर को क्या कहते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या है, भारत के संविधान का जनक कहते हैं इन्हें, और इनको एक और नाम दिया गया है, मॉडर्न मनु, मॉडर्न मनु, आधुनिक मनु भी कहते हैं भारत का इन्हें। देखो क्या है यहां पर, मनु किसको कहा गया है, तो मनु एक तरीके से फर्स्ट, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग फर्स्ट ह्यूमन, जिसने क्या है इंसानी जाति को जीने के सिद्धांत सिखाए, उन्हें मनु कहते हैं। ऐसे ही यहां पर क्या है, वर्तमान भारत को जीने के सिद्धांत अंबेडकर ने सिखाए, क्योंकि वहां पे इक्वलिटी, ठीक है, महिलाओं को बराबर के अधिकार, इन सब चीजों पे इन्होंने बात करी, और सभी को इक्वल लाने के लिए इन्होंने क्या है डिबेट किया और उस पर रूल्स बनाने पे जोर दिया, इसी वजह से इन्हें मॉडर्न मनु कहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे,
उनका नाम था बी एन राव, बेनेगल राव। ये क्या थे? ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो सात मेंबर हैं ड्राफ्टिंग कमिटी के, इसमें से नहीं है ये। ये जो संविधान सभा है, जो 389 मेंबर्स की टीम थी, उसमें जब ये यहां पे डिस्कशन होता था इन जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, जब वहां पे डिबेट होते थे, तो जब डिबेट होते थे वहां पर ये सलाह देते किन चीजों पर, ठीक है कि ये सही है ये सही है। तो ये हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि मिस्टर बेनेगल राव कौन है, तो बेनेगल राव है ठीक है जो संविधान सलाहकार, ठीक है। तो इसलिए ये भी नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। अब ऐसे करते करते क्या हो गया कि यहां पर पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, और ऐसे बहुत सारी चीजें चलती रही, और फाइनली हमारा संविधान बनने की कगार पर आ गया। कब? 3rd meeting कब हुई? तो 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक चली। ये थर्ड मीटिंग या फाइनल मीटिंग कह सकते हो आप इसको। और ऐसे करके 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या है, बन के तैयार हो गया। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड ऑन यही 26 नवंबर 1949, संविधान बन के तैयार हो गया इस दिन, ठीक है। और उसी दिन, ठीक है, कुछ चीजें लागू की गई। क्या क्या चीजें लागू की गई? पूरा संविधान इस दिन लागू नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ कुछ चीजें, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट, प्रोविजनल पार्लियामेंट। ये कुछ चीजें थी जो उस दिन लागू कर दी गई, नागरिकता, इलेक्शन और प्रोविजनल पार्लियामेंट। आप देखो, जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो इंटरिम पार्लियामेंट या प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम भी करती थी। मतलब पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉज बनाना। तो आपको पता है ना कि उसके दो काम थे, एक संविधान लिखवाना, एक लेजिस्लेटिव लॉज बनाना, मतलब, ठीक है। तो जब लेजिस्लेटिव काम करती थी वो संविधान सभा, तब उसके अध्यक्ष जी वी मावलंकर होते थे। तो इसीलिए ये क्या है, प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम भी करती थी, ठीक है, और ये चीज उसी टाइम पे लागू भी कर दी गई। तो ये याद रखना, सिटीजनशिप, इलेक्शन और प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये सारी चीजें लागू कर दी गई, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। अब इसी वजह से ये, क्योंकि ये सारी चीजें कब हुई, 26 नवंबर 1949 को हुई, और इसी वजह से यहां पर क्या कहते हैं, ये इस दिन को लॉ डे या कॉन्स्टिट्यूशनल डे कहते हैं। इसीलिए इस दिन को क्या कहते हैं, कानून दिवस या संविधान दिवस कहते हैं, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। अब देखो यहां पर, अब बात यहां पर आती है कि साइन कितने लोगों ने किए, तो साइन कितने लोगों ने किए, तो देखो 24 जनवरी 1950 को कितने लोगों ने साइन किए यहां पर, तो 24 जनवरी 1950 को सिग्नेचर किए 284 लोगों ने, ठीक है। अब देखो एक बात, जिसमें से 8 महिलाएं थी। अब देखो एक बात, जो शुरू में जब बात करोगे 389 मेंबर्स थे, तो 389 मेंबर्स में फीमेल्स कितनी थी, तो फीमेल्स थी 15, ठीक है। और जब बाद में जब पाकिस्तान चले गए तो 12 रह गई, ठीक है। अब यहां तक आते आते काफी लंबा टाइम हो गया, ठीक है, तो कितने लोग रह गए, 284 लोग, इतने लोगों ने ही साइन किए संविधान पे, ठीक है। और संविधान की दो कॉपीज बनाई गई, ठीक है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, आप ऐसे कहो, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो चीज हो गई, 24 जनवरी 1950 को 284 लोगों ने साइन किए, और हमारा संविधान फाइनली क्या कर दिया गया, साइन कर लिया गया। अब देखो इतने में यहां पर क्या हो गया, टोटल 12 सेशन हुए,
कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में टाइम कितना लगा? कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में टाइम लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 18 डेज। इसके बाद ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना आया, खर्चा, तो अप्रोक्स 64 लाख, लगभग 64 लाख खर्चा आया। इनिशियली फीमेल्स कितनी थी, तो 15, ठीक है, और बाद में कितनी रह गई थी, 12, और साइन कितने किए, 8 फीमेल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पर जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो एक बात, सेशन क्या होता है, तो सेशन होता है जैसे हमारे अभी पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही उस टाइम पर भी सेशन होते थे जब डिबेट चलते थे, वहां पर डिस्कशन चलते थे, तो टोटल 12 सेशन हुए, और 11 सेशन कब हुए, संविधान लिखने के लिए हुए, और एक सेशन हुआ लास्ट कब, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को लास्ट सेशन है। अब एक बात आपसे पूछ ली जाए कि जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो कब से कब तक थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 6 दिसंबर 1946 से लेके 24 जनवरी 1950 तक थी, ठीक है। बाद में 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा की तरह काम किया, बाद में इसने फिर जब तक ये हमारे नए पहले इलेक्शन नहीं हो गए, मतलब दोबारा 1950, 51, 52 में, और तब तक क्या किया, इसने इंटरिम पार्लियामेंट या प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम किया, ये बात आप याद रखोगे। अब देखो, अब यहां दो बात है, टाइम पूरा संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, लेकिन उसका ड्राफ्ट तैयार करने में कितना टाइम लगा, तो ड्राफ्ट तैयार करने में लगे थे 114 दिन, ये बात आप याद रखोगे, कई बार पूछ लिया गया है कि संविधान लिखने में टाइम कितना लगा और ड्राफ्ट तैयार, ड्राफ्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जब बुक या कोई भी चीज हम लिख रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमें एक फ्रेमवर्क तैयार करना होता है कि किस तरीके की चीजें डिजाइन करनी है, तो उसे कहते हैं ड्राफ्ट। तो जो संविधान, भारत का संविधान है, उसका ड्राफ्ट तैयार करने में 114 डेज लगे, 114 दिन, ठीक है, और पूरा संविधान लिखने में एक क्या है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। अब देखो, हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को लिख दिया गया था, और बहुत ज्यादा इमरजेंसी भी थी, फिर भी हमने उस दिन लागू नहीं किया। हमने लागू कब किया पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को क्यों किया, तो इसलिए किया क्योंकि हिस्ट्री थी, हिस्ट्री की वजह से, और हिस्ट्री क्या थी, स्वराज दिवस की, ठीक है, स्वराज दिवस ये क्या है, तो देखो ट्वेंटी सिक्स जनवरी को हर साल हम स्वराज दिवस मनाते थे, ठीक है, पूर्ण स्वराज कह सकते हो आप, पूर्ण स्वराज दिवस। दरअसल था क्या कि 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और अंग्रेज हमारे देश में क्या है, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहे थे, तो वहां पर एक शपथ ली गई कि हर साल 1930 से 26 जनवरी को हम स्वराज दिवस मनाएंगे, भले ही हमें अंग्रेज आजादी दे चाहे ना दें, और यही चीज हिस्ट्री चलती आ रही थी, और इसीलिए क्या किया, स्वराज बोले तो स्वयं का राज, ठीक है, और यही चीज चलती आ रही थी, तब से हर साल स्वराज दिवस मनाते आ रहे थे, और इसीलिए जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लिख दिया गया, फिर भी हमने लगभग 2 महीने वेट किया उसी हिस्ट्री की वजह से, ताकि उसी दिन लागू करेंगे, ठीक है, जिस दिन से हम अपनी स्वराज दिवस मनाते आ रहे हैं, और इसलिए पूरा संविधान कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को, और उस दिन से भारत बन गया रिपब्लिक, री प्लस पब्लिक, देश दोबारा से किसका हो गया, पब्लिक का, मतलब फिर जनता जनार्दन हो गई, और हेड को कौन चुने लगी, जनता, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा तैयार हुआ संविधान, ठीक है। अब जो संविधान है वो देश को चलाने की सुप्रीम रूल बुक है, और वही सारी चीजें यहां पे आपने देखी है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक बात, यहां पर ये तो हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से चुनी गई, किस तरीके से मेंबर आए, ये सारी बातें आपने यहां पर देखी हैं। अब बात यह आती है कि इससे रिलेटेड अभी कुछ फैक्ट्स जो हैं वो छूट गए, ठीक है, तो उनको मैं एमसीक्यूज में कवर करूंगा, ठीक है,
एमसीक्यूज जो बोले तो इससे रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाऊंगा, उसमें वो क्वेश्चंस डालूंगा सारे के सारे, ठीक है? और बाकी आप आगे देखते रहना। थैंक यू।